अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाए नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ हदीका मशनिया में। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और आज यहाँ पे कंक्रीट हो रही है ट्रिमी पंप की मदद से। तो आ जाए, वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये नाज़रीन ट्रिमी पंप होता है, इस पंप की मदद से कंक्रीट मौके पर डाली जाती है। ये लोग काम कर रहे हैं और ऊपर ऑपरेटर भी खड़ा हुआ है और पांच वर्कर काम कर रहे हैं एक साइड पे। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है। इस ट्रिमी पंप का फ़ायदा ये होता है कि इससे काम बड़ी तेज़ी के साथ किया जा सकता है। ये आप लोगों के सामने कंक्रीट हो गई है, ये देखिए ज़रा। ये नाज़रीन ट्रिमी पंप का पाइप होता है, जिस जगह पे कंक्रीट डालनी मकसूद हो वहाँ पे ऑपरेटर पाइप को ले जाता है और साथ में एक वर्कर लाजमी चाहिए होता है। वो पाइप को पकड़ के मुतलका जगह पे जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे कंक्रीट डालता है। जिस जगह पे नाज़रीन ट्रिमी पंप की मदद से कंक्रीट की जाती है वहाँ पे ऑपरेटर इस चीज़ का ख्याल रखता है कि ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी हाइट तकरीबन एक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक मीटर से ज़्यादा हाइट होती है तो वहाँ से कंक्रीट जब नीचे गिरती है ना तो सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, यानी सीमेंट अलग होना शुरू हो जाता है और एग्रीगेट अलग होना शुरू हो जाता है, जिसको ये कंक्रीट की जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ ये पूरा एरिया शेयर करता हूँ। ये नाज़रीन लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों की तफरी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे लोग आएँ, बैठें, आराम करें, थोड़ा माहौल से लुत्फ़ानंदोज़ हों और थोड़ा आउटिंग का भी मज़ा लें। इस प्रोजेक्ट के दाएं बाएं हर तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और ये जो जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, यहाँ पे भी बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को काट के ये प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये कंक्रीट जो साइट पे डाली जा रही है इसकी वर्कबिलिटी 150 mm रखी गई है, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होनी चाहिए। जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि अर्ली मॉर्निंग काम स्टार्ट किया जाए और 11 बजे से पहले पहले काम वो कम्प्लीट कर लिया जाए। 11 बजे के बाद यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तेज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से मजबूरन काम बंद करना होता है ताकि पानी जो कंक्रीट के अंदर डाला गया है वो वेपोरेट ना हो सके। और फिर उसके बाद सेकंड टाइम को मद्देनज़र रखा जाता है, तीन बजे के बाद आप डालेंगे तो तब भी टेम्परेचर ठीक रहता है और ज़्यादा तपिश नहीं होती है सूरज की तपिश कम हो चुकी होती है, तब कंक्रीट डालें, ज़्यादा पानी वेपोरेट नहीं होगा और कंक्रीट भी बिल्कुल आपकी परफेक्ट रहेगी। बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे भी चलते हैं वहाँ पे कोशिश यही की जाती है वहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट डाली जाए, क्योंकि मौके पे जब कंक्रीट डालेंगे तो ज़्यादा वर्कर्स भी चाहिए होते हैं और वहाँ पे कंक्रीट भी सही से मिक्स नहीं होती है, जिसकी वजह से जो मतलूबा कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो हमें हासिल नहीं होती है और कंक्रीट फिर फेल तसव्वुर की जाती है। इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमेशा रेडी मिक्स कंक्रीट ही यूज़ करनी चाहिए। रेडी मिक्स कंक्रीट का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर हर चीज़ मुकर्रा मकदार में ही डाली जाती है, यानी मालूम होता है कि एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितने लीटर पानी डालना है और इसके अंदर कितना सीमेंट ऐड करना है, कितनी इसके अंदर सैंड ऐड करनी है। और ये सारी चीज़ें जब कंक्रीट का डिज़ाइन तैयार हो रहा होता है तब ये फाइंड की जाती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।